हाँ तो गेमर्स, क्या आप लोग भी घर बैठे बैठे छुट्टियों के टाइम पे अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट रहना चाहते हो? हाँ मुझे पता है, या तो आप कॉल करोगे, जय महाराष्ट्र करोगे, या चैट करोगे, बट इन सभी के अलावा आज मैं आपको कनेक्ट कराऊंगा गेम्स के थ्रू। बिकॉज आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ टॉप 5 बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम्स, जिनमें आप अपने मित्रों के साथ कार ड्राइविंग, सर्वाइविंग, शूटिंग, एडवेंचर जैसे और भी बहुत कुछ कर पाओगे। तो करें फिर स्टार्ट। करो फिर। तो गेमर्स, लिस्ट नंबर 5 पर हम लोगों का गेम निकल के आ रहा है मडस्टॉर्म। हाँ गाइस, ये काफी तगड़ा एक ऑफ रोड एडवेंचर कार गेम होने वाला है, जिसके अंदर आपको मिल जाती है रियलिस्टिक ग्राफिक्स एंड माउंटेन रिसोर्ट के लोकेशन का ओपन वर्ल्ड मैप, जिसमें आपको कार्गो ट्रांसपोर्ट का काम करना होगा। मतलब गाइस, आपको अपनी कार के पीछे ट्रॉली को अटैच करके ऑफ रोड डेजर्ट वाले रास्ते से गुजर के उसको सही सलामत पहुंचाना होगा। और रही बात दोस्तों की, तो उनके लिए मल्टीप्लेयर मोड भी अवेलेबल है, जिनमें आप ये ही कम अपने दोस्तों के साथ भी कर पाओगे। और उसके अलावा आपको इस गेम में रेंज रोवर, फोर्ड, लैम्बोर्गिनी, उर्स, महिंद्रा थार जैसी ऑफ रोडिंग व्हीकल से देखने को मिल जाती हैं, जिनको आप फुल्ली कस्टमाइज भी कर पाओगे, लाइक पेंट चेंज करना, रिम चेंज करना जैसे और भी बहुत कुछ। बाकी मल्टीपल कैमरा के एंगल, स्मूथ कंट्रोलर, फ्यूल स्टेशन, भर भर के ट्रैफिक जैसी चीजें भी देखने को मिलेंगी। गेम का साइज होने वाला है 200 MB के अराउंड, और आप इस गेम को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में प्ले कर पाओगे। तो भाई गेम ओवरऑल काफी बेस्ट है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो गेमर्स, लिस्ट नंबर 4 पर हम लोगों का गेम निकल के आ रहा है सर्वाइवल आइलैंड। हाँ गाइस, काफी ज्यादा दिन हो चुके थे मैंने आपको सर्वाइवल गेम के बारे में बताया नहीं था, तो अभी भाई फाइनली एक न्यू सर्वाइवल गेम आ चुका है, जिसके अंदर आपको मिल जाती है पीसी के लेवल की हाई अल्ट्रा ग्राफिक्स एंड डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड का ओपन वर्ल्ड मैप, जहां पर आपको सर्वाइव करना होगा। मतलब गाइस, आपको एक आइलैंड पर थोड़े बहुत टूल्स देके नंगा पुंगा छोड़ दिया जाता है। देन उसके बाद आपको वहाँ पर नई नई चीजों को कलेक्ट करना होगा, पेड़ काटने होंगे, पत्थर तोड़ने होंगे, एनिमल्स का किल करना होगा, जिससे कि आप वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए अच्छी खासी चीजें कलेक्ट कर पाओ। फिर उन्हीं चीजों का यूज करके आपको रहने के लिए शेल्टर बनाना होगा, खाने पीने के लिए कैंप फायर जलाना होगा, जैसे और भी बहुत कुछ। बाकी उसके अलावा आप इस गेम को मल्टीप्लेयर प्ले कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन बातें कर सकते हो, मिशन वगैरह कर पाओगे, और क्या ही चाहिए। गेम का साइज होने वाला है 800 MB के अराउंड, एंड गेम ऑनलाइन है। तो गेमर्स, अगर आपके पास मिनिमम 4GB रैम का डिवाइस फोन है, तो आप इस गेम को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो गेमर्स, अभी हम लोग देखते ही देखते पहुंच चुके हैं थर्ड नंबर गेम की तरफ। तो लिस्ट नंबर 3 पर हम लोगों का गेम निकल के आ रहा है रियल कार पार्किंग मल्टीप्लेयर। सो गाइस, ये काफी तगड़ा एक हाई ग्राफिक्स ओपन वर्ल्ड कार ड्राइविंग गेम होने वाला है, जिसके अंदर आपको पार्किंग, सेलमोन, नाइट, ड्रिफ्ट, ट्रैफिक जैसे 5 डिफरेंट डिफरेंट मोड मिल जाते हैं, जिनके अंदर आप फ्री रोमिंग, कार स्टंट, कार ड्रिफ्टिंग जैसे और भी बहुत कुछ कर पाओगे। तो ये सारी चीजें तो सिंगल प्लेयर के लिए है, बट अगर आपको मल्टीप्लेयर एंजॉय करना है, तो उसके लिए आपको एक रूम क्रिएट करना होगा, जिसमें आप अपने दोस्तों को इनवाइट करके खेल पाओगे। और आपको इस गेम में मस्टैंग, सुप्रा, पोर्श, लैम्बो जैसी सुपर एंड नॉर्मल कार्स मिल जाती हैं, जिनकी आप तगड़ी वाली मॉडिफिकेशन भी कर पाओगे। बाकी डे नाइट का सर्कल, डिफरेंट कैमरा के एंगल, कंट्रोलर जैसी चीजें भी देखने को मिलेंगी। गेम का साइज होने वाला है 147 MB, और आप इस गेम को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में प्ले कर पाओगे। तो भाई गेम ओवरऑल काफी बेस्ट है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो गेमर्स, लिस्ट नंबर 2 पर हम लोगों का गेम निकल के आ रहा है स्कैरी टीचर विद फ्रेंड्स। हाँ गाइस, ये एक स्कैरी टीचर मल्टीप्लेयर एडवेंचर गेम होने वाला है, जिसके अंदर आप दो रोल प्ले कर पाओगे। मतलब गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इस गेम में एक स्कैरी टीचर का रोल करने को मिलता है, एंड सेकंड में आप बच्चों का रोल प्ले कर पाओगे। हाँ गाइस, अगर आप स्कैरी टीचर का रोल प्ले कर रहे हो, तो आपको 5 छोटे छोटे बच्चों को पकड़ना होगा, और अगर आप बच्चे का रोल प्ले कर रहे हो, तो आपको हाइडन चीजों को ढूंढकर स्कूल के गेट से सर्वाइव करना होगा।
होगा। और रही बात मल्टीप्लेयर की, तो इसमें सारे ही प्लेयर्स ऑनलाइन होते हैं। बाकी आपको इस गेम में ढेर सारी वेपन से तगड़ा कट्स, एनिमेशन, ओपी लेवल की ग्राफिक्स से जैसे और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बात करें गेम के साइज की, तो वो होने वाला है 185 MB एंड गेम ऑनलाइन है। तो गेमर्स, अगर आपको कुछ मल्टीप्लेयर हॉरर गेम ट्राई करना है तो ये गेम आपके लिए। तो अभी बढ़ते हैं अपने लास्ट, फाइनल एंड फर्स्ट गेम की तरफ। तो गेमर्स, लिस्ट नंबर 1 पर हम लोगों का गेम निकल के आ रहा है, ब्लास्ट रॉयल बैटल। हाँ गाइस, ये काफी तगड़ा एक पीवीपी एक्शन मल्टीप्लेयर शूटिंग गेम होने वाला है, जिसके अंदर आप ऑनलाइन प्लेयर्स के साथ बैटल ग्राउंड जैसे मैचेस को प्ले कर पाओगे। मतलब गाइस, आपको इस गेम में ऊंची ऊंची 3D बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी, जिनके टेरिस पर आप टास्क कंप्लीट करके ऑनलाइन प्लेयर्स का सामना करके आगे बढ़ते रहना है, जिससे कि आप हाई लेवल अचीव कर पाओ। और उसके अलावा आपको इस गेम में सीजनल एरिना इवेंट भी देखने को मिलेंगे, जिसे प्ले करने में आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। बाकी डिफरेंट कैरेक्टर, कंट्रोलर, कस्टमाइजेशन, ढेर सारी वेपन्स जैसी चीजें भी देखने को मिलेंगी। गेम का साइज होने वाला है 276 MB एंड गेम ऑनलाइन है। तो गेमर्स, अगर आपको कुछ यूनिक टाइप का बैटल रॉयल गेम ट्राई करना है तो ये गेम आपके लिए। तो ऑलराइट गेमर्स, ये थे आपके टॉप 5 बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम्स, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। एंड इन सभी गेम्स का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो जो भाई, जो गेम आपको अच्छा लगा ट्राई करो।